नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के सेवन न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत मैं आज यहां पर मौजूद हूं बैकुंठपुर पंचायत में। यहां पर लोकायन मंच का कटिया से संचालन करने वाले कौशल किशोर मिश्रा जी से आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं इनके बारे में। कौशल किशोर मिश्रा जी, आप लोकायन मंच के संचालनकर्ता भी हैं और आप जब पूरे प्रखंड की एक जिम्मेवारी संभाले हुए हैं, तो फिर क्या कारण है कि आप पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर आना चाहते हैं? मैं लगातार पिछले 10 वर्षों से गरीबों की सेवा में हूं, शोषितों का आवाज़ बनता हूं, पीड़ितों का आवाज़ बनता हूं। बैकुंठपुर पंचायत के एक एक लोगों का आदेश हुआ कि आप पंचायत चुनाव में आइए और मुखिया के पद पर आसीन होकर पंचायत के लोगों की सेवा करिए। त्रिस्तरीय पंचायत के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक तो बिहार में 4-5 तरह का चुनाव होता है। एक जिला परिषद का होता है, एक मुखिया का होता है, एक पंचायत समिति सदस्य BDC का होता है, वहीं वार्ड क्रियान्वयन समिति वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, सरपंच और पंच का चुनाव होता है। पंचायत के न्यायिक जिम्मेदारियों के लिए सरपंच और पंच का चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होता है और पंचायत समिति प्रखंड डेवलपमेंट कम्युनिटी जो है उसके लिए पंचायत समिति का चुनाव होता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग बोर्ड है जो जिला परिषद के नाम से क्षेत्र देहात में जाना जाता है, गांव घर में जाना जाता है। और एक गंभीर महत्वपूर्ण पद है, मुखिया का चुनाव होता है। तो हम लोग मुखिया के चुनाव में अनेकों प्रकार की योजनाएं जिससे सीधे जनता को लाभ पहुंचाया जा सके, जैसे जवाहरलाल महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, आम लोगों को रोजगार देना है, उसको भी ऐसे जिला अब बिहार में जिला परिषद को भी मनरेगा का काम कराने का अनुमति बिहार सरकार द्वारा दे दिया गया है। पहले पंचायत समिति और मुखिया वार्ड सदस्य द्वारा ही कराया जाता था। आप अगर मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर आते हैं तो आप किस प्रकार की सेवा लोगों के बीच करेंगे? हर एक प्रकार की सेवा करेंगे, कोई ऐसा सेवा का माध्यम नहीं है, कोई ऐसी सेवा नहीं है जो हम नहीं करें। यहाँ के लोगों के बीच में एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, यहाँ के लोगों के बीच में अस्पताल की व्यवस्था करेंगे, यहाँ के लोगों के बीच में शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करेंगे। और जो बैकुंठपुर पंचायत में वर्तमान में बैकुंठपुर हो गए हैं, इससे पहले जो मुखिया प्रतिनिधि रहे उन्होंने क्या सड़कों की देखरेख नहीं किया था? फेलियोर कार्यकाल है, वह निकम्मा लोग हैं। जनता के वोट से जीत कर जाके और कमीशन का 5 साल कमीशन जिस काम में मिलता है उसी काम को करने का काम उन लोगों ने किए हैं। कौशल मिश्रा जी, आप सीधा सीधा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी होने के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, हम चाहेंगे कि आपका कैमरा थोड़ा इधर भी मूव करे। कुछ लोग खड़े हैं, इन लोगों से पूछिए, वो जो सामने खड़े हैं, हो सकता है कि पिछले पूरे 5 साल में मनरेगा के द्वारा उनको एक दिन का भी काम नहीं मिला हो। मिला है भाई जी, देखिए आपके सामने ऊपर है कि नहीं मिला है? अभी स्थानीय मुखिया को जनता से कोई लेना देना ही नहीं है, जनता से वो सरोकार ही नहीं रखते। कुछ लोग हैं जो उनके राइट लेफ्ट रहते हैं, वही उनको विकास पुरुष की संज्ञा देने रहते हैं। इसका मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके कुछ नुमाइंदे हैं? आपको नामुंदे उनके कुछ लोग हैं, उनको ब्राह्मणों के नेता घोषित करने में लगे हुए हैं। लेकिन आप बैकुंठपुर पंचायत के गरीबों में जाइएगा, एक एक ऐसे गरीब ब्राह्मण आप पाइएगा जिसको पूरे 5 साल में सरकारी
द्वारा संचालित किसी प्रकार की योजनाओं का एक रुपये का लाभ नहीं मिला है। बहुत लोगों का शौचालय बन गया है, शौचालय का रुपया नहीं मिला है। आज तक किसी के घर उनके किसी प्रकार का कोई काम बैंकुंठपुर पंचायत में नहीं हुआ है या बैंकुंठपुर पंचायत के जनता के बीच में जा सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत बहुत सारे लोगों को गारंटेड जॉब दिया जाता है। वैसे में आप इस जो ये जो क्लेम कर रहे हैं वो कितना जायज़ है? मुखिया जी, उन्हीं लोगों को मनरेगा, वैसे भी लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिए हैं जो लोग दिल्ली रहते हैं, लुधियाना पंजाब रहते हैं, और इनके द्वारा दे दिया गया है उसको। बस किसी तरह लूटपाट वाला काम हुआ है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। कौशल किशोर मिश्र जी, आप बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर लगातार प्रहार करते जा रहे हैं, तो फिलहाल देखते हैं जनता का मुंह आपके साथ किस तरीके से रहता है। और आप, मैं चाहता हूं एक शुभेच्छा भी है कि आप जैसे युवा प्रत्याशी इस क्षेत्र में चुन के आएँ और जो काम बचा हुआ है उसको आगे सिरे से लेके जाएं। लेकिन आपके जो ये लगातार प्रश्नों के प्रश्न चिन्ह है वो कितना जायज़ है? मैं आपको बता देता हूँ कि स्थानीय मुखिया के द्वारा विगत पिछले 5 सालों से जो काली कमाई का एक तरह से धंधा बना लिया गया था पंचायत के लोगों के वोट को लेकर, आम जनता का काम कोई नहीं हुआ लगातार, मैंने कहाँ से पैसा आ जाएगा, कहाँ से काली कमाई हो जाएगी। एक सूत्रीय सच कहिए तो पंचायत को लूटने का काम हुआ है, पंचायत के आम लोगों को, गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को ठगने का काम हुआ। फिलहाल देखते हैं, पंचायत की जनता उनके काली कमाई के कारनामे को जान चुकी है और इस बार पंचायत की जनता सीधे तौर से उनको नकारने के लिए तैयार है। फिलहाल देखते हैं, जीत हार का फासला तो जनता तय करती है और लोकतंत्र है, इसमें लोगों का अधिकार सुरक्षित है। और इस प्रणाली की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि निकटतम प्रतिद्वंदी हो या फिर जीत पक्ष के लोग हों, उनको सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। कौशलमाटी.com के लिए बैकुंठपुर से गोपालगंज क्षेत्र, गोपालगंज जिला से भरत मिश्र की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब www.kaushalmati.com।